कानपुर में पुलिस का लगातार इस्तेमाल कायम हो रहा है। जहां अभी एक दिन पूर्व की बात है, जहां जावेद नाम के एक अपराधी ने आत्मसमर्पण किया हाथ में तख्ती लेकर, जिसमें लिखा हुआ था कि बाबा जी अब मैं अपराध नहीं करूंगा। वहीं आज सुबह सुबह की बात है, हम उस स्थान पर भी आ गए हैं जहां पर आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो स्थान दिखाने की कोशिश करें जो मेरे बगल में है, और वहां ये जो स्थान है यहीं पर आज सुबह कुछ लोग गाय को लेकर गौकसी के लिए ले जा रहे थे, जहां पुलिस पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई और दो अभियुक्त उसमें घायल हुए हैं, जो कि जिनका नाम सलीम और मुन्ना है। बताया जा रहा है कि इनके साथ दो लोग और थे, वो फरार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो एक दिन पूर्व जो टिकरा के पास बनी गांव में जो गौकसी का मामला सामने आया था, उन दोनों अभियुक्तों का उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन भी निकल रहा है। तो ये देख बहुत बड़ी एक पुलिस के हाथ सफलता लगी है, कानपुर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है कि अभी एक दिन पूर्व भी घटना हुई थी और उस घटना से संलिप्त लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसमें दो व्यक्ति पुलिस की पकड़ में भी आ गए हैं जो कि घायल है। कानपुर से कैमरा पर्सन इरफान। देखिए, दिनांक 20/5/2022 को थाना बिटूर क्षेत्र अंतर्गत टिकरा गांव के जो गौशाला है उसके पास करीब सुबह 4:30 बजे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दो लोग एक गाय को ले जा रहे थे। जब गश्त करते हुए पुलिस पार्टी उनको रोकने का कोशिश किया तो उन्होंने बिना रुकते हुए उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। तो आत्मरक्षणार्थ जो पुलिस पार्टी ने जो रिटर्न फायर की उसमें दो लोग घायल हो गए और दो फरार हुए। दो घायलों का नाम है, एक का नाम है फरीद उर्फ मुन्ना जो बाबूपुरवा का निवासी है और दूसरे का नाम है सलीम जो चौबेपुर का निवासी है। ये जो कुछ समय पहले बनिया गांव जो है जिसमें गोकशी का एक घटना हुई थी, इनके उसमें इनका संलिप्तता भी पाई गई है। और जो मौके पर ये जो मौके पर हमें एक अदद मोटरसाइकिल, दो तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा और मोटरसाइकिल को बंधी हुई एक बोरी भी मिली है। बोरी में दो चाकू और एक कुल्हाड़ भी मिला है जिससे वो गोकश करने का उपयोग करते थे। इसके अलावा माननीय सीपी श्री विजय सिंह मीना सर ने जो बहुत ही अच्छा कार्य जो पुलिस पार्टी ने किया है